छत्तीसगढ़ के कई जिलों में 16 अगस्त की सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। राजधानी रायपुर में भी आज सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। इसके अलावा रायगढ़, बस्तर और सरगुजा संभाग के जिलों में भी बारिश जारी है। मौसम विभाग ने 6 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। आज सरगुजा, जशपुर, बलरामपुर, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा में भी मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि आने वाले दिनों में भी मानसून की बारिश प्रदेश में जारी रहेगी। आज रायपुर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार गंगीय पश्चिम बंगाल में एक निम्न दाब का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके प्रभाव से छत्तीसगढ़ में आगामी 3 दिनों तक अधिकांश जगहों पर बारिश होने की संभावना है। सरगुजा और बिलासपुर संभाग के जिलों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार चक्रवाती परिसंचरण की वजह से निम्न दाब का क्षेत्र बन रहा है। इसके प्रभाव से आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में बारिश होती रहेगी। अगर छत्तीसगढ़ में आने वाले एक हफ्तों की बात करें तो 17 अगस्त को अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के करीब रह सकता है। कई जिलों में दिन भर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 18 अगस्त को प्रदेश में अधिकतर जगहों पर अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री तक रह सकता है। दिन भर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अब अगर हम रक्षाबंधन के दिन की बात करें यानी 19 अगस्त, तो 19 अगस्त को रायपुर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। उस दिन प्रदेश के कई जिलों में तापमान इसी के आसपास रहने की संभावना है। कई जिलों में दिन भर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जिसमें रायपुर भी शामिल है। छत्तीसगढ़ में 20 अगस्त को अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। दिन भर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बुधवार 21 अगस्त की बात करें तो अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। दिन भर इस दिन भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 22 अगस्त को रायपुर समेत कई जिलों का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24.43 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। वहीं प्रदेश के कई जिलों में दिन भर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अगर बारिश की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 1 जून से 15 अगस्त तक 814.5 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो औसत से 7% ज्यादा है। 7 जिलों में औसत से अधिक बारिश हुई है। वहीं 4 जिले ऐसे हैं जहां सामान्य से कम और बाकी जिलों में सामान्य बारिश हुई है। प्रदेश में बड़े छोटे डैम मिलाकर कुल 46 बांध हैं, जिनमें औसतन 80% तक पानी भर गया है। धमतरी के गंगरेल बांध में 92% तक पानी भर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनपीजी न्यूज़।